Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you regression equations कैसे calculate करते हैं और आज की वीडियो में मैं least square method cover up करूंगी. इससे पहले भी मैंने regression का theory portion के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने regression क्या होता है, उसके कितने types होते हैं, क्या uses होते हैं और regression और correlation में क्या difference होता है उसके ऊपर वीडियो बनाई है. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अब रिग्रेशन हम कब यूज करते हैं? रिग्रेशन हम कब तब यूज करते हैं जब हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है या कैलकुलेट करनी होती है. अब देखो, मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमें x गिवन है और y गिवन है. x है हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और y है हमारा सेल्स रेवेन्यू. ये दोनों ही हमें लैक्स में गिवन है. अब x देखो हमारा है 4, 7, 10, 14, 17 लाख. अब यहां पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ऐसे ही सेल्स रेवेन्यू है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 17 है हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मींस हमने ये कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हमें एक्स गिवन है और हमें वाई कैलकुलेट करना है. तो जब भी हमें जो भी कैलकुलेट करना होता है वो हमेशा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो यहाँ पे हमारा वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मींस हम इसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे अब क्या है, अब हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट करना है और हमें गिवन क्या है, 30 लाख गिवन है सेल्स रेवेन्यू. तो अब हमें जो गिवन होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो हमने कैलकुलेट करना होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो यहाँ पे हमारा जो है एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, अब लीस्ट स्क्वायर मेथड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको कि रिग्रेशन में क्या होता है. रिग्रेशन में हम रिग्रेशन लाइन्स कैलकुलेट करते हैं. अब अगर हमारे दो वेरिएबल्स हैं, जैसे हमारे ऊपर थे x और y दो वेरिएबल, तो हमारी जो रिग्रेशन लाइंस होंगी वो भी दो ही होंगी. अगर हमारे दो वेरिएबल्स हैं तो रिग्रेशन लाइंस हमारी कौन कौन सी होंगी, x ऑन y एंड y ऑन x. ठीक है, x ऑन y की जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होती है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और y ऑन x की हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ठीक है, अब इस इक्वेशन को पहले देख लेते हैं, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. अब देखो, जो भी वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड पे होगा, जैसे यहां पे हमारा लेफ्ट साइड पे क्या है, x, ये हमेशा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो राइट साइड पे अंदर होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. मींस इसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं. तो लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल हमेशा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड पे x है, तो x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और a और b क्या है, ये इसमें ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है. अब आ जाओ y ऑन x पे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसकी इक्वेशन होगी. और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारा y है, तो y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और अंदर क्या है, हमारा x है, तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a और b क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स. ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन. अब रिग्रेशन इक्वेशन को हम दो तरह के डेटा में कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में और ग्रुप डेटा में. ग्रुप डेटा हमारा वो डेटा होता है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है, और इंडिविजुअल सीरीज में हमें सिंपल वेरिएबल गिवन होते हैं. तो इस वीडियो में मैं जो लीस्ट स्क्वायर मेथड कवर अप करने वाली हूँ वो इंडिविजुअल सीरीज का कवर अप करने वाली हूँ. ग्रुप डेटा हम अगली वीडियोस में कवर अप करेंगे. ठीक है, अब रिग्रेशन इक्वेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में हम रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके हमारे तीन मेथड्स हैं. फर्स्ट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, सेकंड इज रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड, एंड थर्ड इज व्हेन कोरिलेशन कोफिशिएंट आर मीन एक्स बार और वाई बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन. जब हमें ये सब डेटा गिवन होता है तो ये हमारा थर्ड मेथड है. ठीक है, तो ये सारे मेथड्स पे मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज वाले में मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड कवर अप कर रही हूँ. अब लीस्ट स्क्वायर मेथड हमारा क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड इट इज ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग द नॉर्मल इक्वेशन. इस मेथड को हम लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, या फिर ये भी लिखा आ सकता है कि कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग द
नॉर्मल इक्वेशन। अब ये क्या है मेथड, ये देखते हैं हम। देखो, ली स्क्वायर मेथड में भी हम दो इक्वेशंस कैलकुलेट करते हैं, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई की हमारी क्या इक्वेशन होती है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और वाई की होती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब एक्स ऑन वाई में हम दो इक्वेशंस की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये दोनों इक्वेशन, इसमें भी और इसमें भी। देखो, समेशन एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन वाई। इसी इक्वेशन में हमने एक्स के साथ समेशन लगा दिया है, एन के साथ ए के साथ एन लगा दिया है, और बी वाई के साथ भी हमने समेशन लगा दिया है इसी इक्वेशन के साथ। ठीक है, और फिर आगे सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी हमारी, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, जब भी हमारी इक्वेशन एक्स ऑन वाई होगी तो इस साइड पे हमारा एक्स आएगा हमेशा, क्योंकि यहां पर भी एक्स है। ठीक है, और अंदर हमेशा हमारा समेशन वाई ही आएगा या वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी एक्स इस साइड होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, तो अंदर जो है वो समेशन वाई की इक्वेशन ही आएगी। और बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है, वाई ऑन एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो यहां पे आ जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड पे हमारा क्या है, वाई है, तो यहां पर भी समेशन वाई आएगा, बिल्कुल वैसी इक्वेशन बन जाएगी, एन ए प्लस बी समेशन एक्स, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमारा वाई लेफ्ट साइड पे है, तो यहां पे भी वाई लेफ्ट साइड पे ही आएगा, और अंदर जो भी आएगा वो हमेशा समेशन एक्स के या फिर समेशन एक्स स्क्वायर के साथ ही आएगा। ओके, अब मैंने इसका एक क्वेश्चन ले लिया है। देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय द ली स्क्वायर मेथड। अब इसमें हमें दोनों इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, एक्स ऑन वाई भी कैलकुलेट करनी है एंड वाई ऑन एक्स भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें एक्स गिवन है और वाई गिवन है। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन में ये सारी चीजें चाहिए होंगी, तो हम इसे कैलकुलेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, एक्स का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स का क्या स्क्वायर है, वन का स्क्वायर कितना आ गया, वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव। ओके, अब ऐसे ही वाई का भी हम स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, टू का स्क्वायर फोर, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, थ्री का स्क्वायर नाइन, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, तो ये हमारा आ जाएगा वाई का स्क्वायर। अब ऐसे ही एक्स वाई कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वन टू जा टू, टू फाइव जा टेन, थ्री थ्री जा नाइन, फोर एट जा थर्टी टू, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव। ठीक है, अब ये हमारी सब आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, समेशन कैलकुलेट कर लेंगे सबका, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है, तो हमें सबका समेशन चाहिए होगा, समेशन एक्स वाई। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 88, समेशन वाई स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 151, समेशन एक्स स्क्वायर, इसको जब हम टोटल करेंगे सबको तो यह आ जाएगा हमारा 55, समेशन वाई हमारा आ जाएगा 25, और समेशन एक्स हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, अब ये सब कुछ हमारा आ गया है। अब यहाँ पे एन क्या है हमारा, एन होता है कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव, तो एन है हमारा फाइव। ओके, अब बस हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है एक्स ऑन वाई इक्वेशन। ठीक है, तो इसका क्या है हमारा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ओके, अब बिल्कुल वैसे ही हम इक्वेशंस लिख लेंगे, इक्वेशंस क्या है हमारी, समेशन x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन y, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन y प्लस बी समेशन y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब जो हमारी ये वैल्यूज आई हैं, अब हम इसमें पुट कर देंगे। देखो,
जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो समेशन एक्स कितना है हमारा 15 इज इक्वल टू एन कितना है हमारा, एन हमने कैलकुलेट करा था, एन हमारा 5 है, ठीक है। देखो तो ये आ जाएगा 5a प्लस, अब समेशन वाई कितना है, समेशन वाई है हमारा 25, तो ये आ जाएगा 25b, और समेशन एक्स वाई कितना है हमारा 88, और समेशन वाई कितना है हमारा 25a प्लस, और समेशन वाई स्क्वायर हमारा कितना है, दैट इज 151b। क्लियर, अब ये आ गया है हमारी, ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब देखो, अब हमें ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें या तो ए को कैंसिल करना पड़ेगा या फिर बी को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैंसिल कैसे होगा, जब हम इसको इक्वल करेंगे। अब देखो, अब ए में देखो यहाँ 5 है और यहाँ पे 25 है, तो हम इस 5 को 25 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 25 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, तो इसके साथ हम बाद में काट सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने सारी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, पर इसको 1 से ही कर देंगे, ये एज इट इज हमारी रह जाएगी, ठीक है। तो देखो अब हमने इसमें क्या करना है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 सा कितना होता है हमारा, दैट इज 75 इज इक्वल टू 5a, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25a प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125b, ठीक है। ये हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये वाली तो हमने 1 से ही मल्टीप्लाई करनी है, तो ये एज इट इज हम लिख देंगे। अब देखो, अब जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे, अगर तो हमने इसे कैंसिल करना है, अब यहाँ पे हमने इसको इससे कैंसिल करना है, ठीक है। तो अगर अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये दोनों अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे तो 50a आ जाएगा, और इस ये भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल तो कुछ भी नहीं होगा, तो हमें a या b में से कुछ कैंसिल करना है, तो हमने इसे इक्वल इसीलिए बनाया ताकि हम इसे कैंसिल कर सके, तो हम इसे कभी भी ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तब हमारे जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, हमने साइन हमेशा सेकंड इक्वेशन के चेंज करने हैं, फर्स्ट के नहीं करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले से माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ भी प्लस होता, यहाँ सपोज माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मीन्स हम साइन जो ऑलरेडी उसका होगा इक्वेशन का, हम उसका ऑपोजिट कर देंगे, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के साइंस चेंज कर दिए है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये तो प्लस है ही है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। देखो तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -13, क्योंकि 88 बड़ा है, इसके आगे माइनस साइन है, तो ये -13 आएगा, 75 छोटा है तो इसके आगे पॉजिटिव है, तो हम तो दोनों में से बड़ा कौन सा, 88 है तो इसके आगे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 151 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 26b, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो बी हमारा कितना आ जाएगा, 13, और ये 26 इसके नीचे चला जाएगा, इज ओवर 26, तो ये हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 हमारा बी आ जाएगा। अब बी हमारी आ गया है, अब हमने क्या करना है, अब हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम जो भी हमारी इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारी जो ये इक्वेशन थी, क्या थी हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन थी ना, तो इन दोनों में से, ये दोनों इक्वेशन में से किसी में भी हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमने b कैलकुलेट करा है ना, तो हम सपोज फर्स्ट वाली में पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1,
ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन वन क्या थी हमारी, 15 इज इक्वल टू 5a प्लस 25 बी थी ना, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.5, तो इनटू 0.5। ठीक है, तो जब हमने ये वैल्यू पुट करी तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो 15 इज इक्वल टू 5a प्लस ये हमारा आ जाएगा 12.5। तो जब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब ये 12.5 इधर ले आओ, तो 15 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 5a, तो ये आ जाएगा 5a इज इक्वल टू, इसको जब ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.5। ठीक है, तो जब हम a कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 2.5 ओवर 5, ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, तो a भी हमारा कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब हमारा a भी 0.5 है, b भी 0.5 है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी वाई थी इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो a कितना आया 0.5 और b कितना आया है वो भी 0.5y, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, क्या इक्वेशन आएगी, x ऑन y। अब ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड इक्वेशन, दैट इज y ऑन x। ठीक है, अब y ऑन x कैलकुलेट करते हैं, तो y ऑन x की हमारी क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है। ठीक है, इसमें भी हमारी दो इक्वेशंस होती हैं, क्या इक्वेशंस होती हैं, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर ऊपर है। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, जो हमने वैल्यूज निकाली थी, देखो यहां पे निकाली थी ना हमने वैल्यूज, क्या थी हमारी वैल्यूज, हमारी वैल्यूज थी समेशन वाई, क्या था हमारा समेशन वाई था हमारा 25, तो हम बिल्कुल वैसे ही पुट कर देंगे, 25 इज इक्वल टू 5a, एन हमारा 5 था, बी समेशन एक्स, समेशन एक्स कितना है हमारा, समेशन एक्स है हमारा 15, तो ये आ जाएगी हमारी 15b। ठीक है, और यहां पे हमारी आ जाएगी 88 इज इक्वल टू ए समेशन एक्स, समेशन एक्स हमारा कितना है 15a, समेशन एक्स हमारा 15 है, प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 55, ये 55b हमारी ये आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, अब बिल्कुल वैसे ही हमें इसे भी कैंसिल करना है, तो a को देखो 5 3 15 होता है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को 1 से ही करेंगे, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड और ये हो जाएगी हमारी फोर्थ। ओके, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 25 3 75 इज इक्वल टू 5 3 15 a प्लस 15 3 दैट इज 45 b, और ये वाली सेम आ जाएगी 15a प्लस 55b। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव है ये माइनस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा हमारा -13 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा -10b। ठीक है, तो ये हमारा दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 13 इज इक्वल टू 10b, तो b आ जाएगा हमारा 13 ओवर 10, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो b आ जाएगा हमारा 1.3। अब 1.3 b की वैल्यू आ गई है, तो इसे इनमें से किसी भी उसमें इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करके हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थर्ड वाली इक्वेशन में इसे पुट कर देती हूँ b की वैल्यू को, तो थर्ड वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, थर्ड वाली इक्वेशन है हमारी 25 इज इक्वल टू 5a प्लस 15b। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आई है, इंटू 1.3 आई है ना, तो बिल्कुल वैसे ही इसे कैलकुलेट कर देंगे, 5a प्लस 19.5 आ जाएगा, 25 ये 19.5 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 5a, तो 5a इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 5.5 और a आ जाएगा हमारा 5.5 ओवर 5
दैट इज 1.1। अब ए हमारा आ गया है 1.1 और बी है हमारा 1.3। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स थी। तो बिल्कुल इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए है हमारा 1.1 प्लस बी है हमारा 1.3x। तो ये हमारी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें ये गिवन होता है, सपोज अगर इसी क्वेश्चन में हमें गिवन होता कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमें ये गिवन है, सपोज क्वेश्चन में कई बार ये गिवन होता है कि y की वैल्यू कैलकुलेट करो जब x 5 है। तो बिल्कुल हमने ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर ली है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, 1.1 प्लस 1.3x कितना गिवन है इनटू 5। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 1.1 प्लस, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी दैट इज 7.6। ठीक है, और एक चीज और है, कई बार क्वेश्चन में हमें ये नहीं गिवन होता कि आपने कौन सी इक्वेशन निकालनी है, एक्स ऑन वाई निकालनी है या वाई ऑन एक्स निकालनी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सिंपल ऐसे गिवन होता है, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज गिवन। अब जो चीज हमें गिवन होती है वो हमारी हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हमारा राइट साइड पे आता है। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या है, x गिवन है ना, तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x हमेशा हमारा राइट साइड पे आएगा जो हमें गिवन होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, तो x अंदर है तो मींस हमें क्या, कौन सी इक्वेशन निकालनी है, हमें y ऑन x इक्वेशन निकालनी है। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।